जौनपुर में युवा कांग्रेस ने कैंट विधानसभा के विधायक के घर पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निष्कासन के बाद पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में जौनपुर में भी युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कैंट विधायक अशोक रोहाणी के घर के पास केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने की कोशिश की। आज हमने यहाँ पे गोकलपुर वार्ड में स्थित सभी युवा भाइयों ने युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, जो विगत 6 महीनों से लगातार अपना सब कुछ छोड़ के अपने उन्होंने पैदल यात्रा करके एक अपने देश को समझने की कोशिश की। आज उनके साथ जिस तरीके से लोकतंत्र में जो नहीं होना चाहिए वो अमित शाह और मोदी जी ने किया है, जिसके गुस्से में और जिसके एक क्रोध में आके हमने यहाँ पे उनका पुतला दहन किया है। और हमारी मांग ये है कि अगर उनके साथ सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से उनके साथ सही नहीं होता है तो युवक कांग्रेस लगातार ऐसे ही प्रदर्शन रोड पे करेगी। पुतला भी आपको पुलिस ने जला दिया है, छीन लिया क्या था? आपके सामने पुतला जलाया और हमने आज नरेंद्र मोदी जी को साड़ी पहन के पुतला जलाया है, क्योंकि उनकी 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 हरकतें भी वही थी। नाम बताइए। अंकित मिश्रा। पुतला दहन युवा कांग्रेस द्वारा किया गया। ये युवा कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, जो इन लोगों के द्वारा आगे जा कर के विधायक जी के कार्यालय के सामने पुतला दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जो इन लोगों को यहीं पर गोकलपुर में ही रोका गया। इनके द्वारा पुतला जलाने का असफल प्रयास किया गया है, जिसको हम लोगों द्वारा छीन लिया गया है। जौनपुर से आशीष बैत्री की रिपोर्ट।